जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल मंगलवार को विपक्ष के ऊपर हमला कहा गया है और विपक्ष ने जो अपना इंडिया नाम रखा है, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, उस पर कुछ बातें कहीं उसको प्रधान समझते हैं। दोस्तों हाल ही में यूपीए ने अपना नाम बदल करके इंडिया रखा है। इंडिया मतलब जो यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको शॉर्ट में लोग कांग्रेस ही समझ लेते थे कि ये कांग्रेस का गठबंधन है, इसका नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया है, इंडिया रख दिया गया है। इंडिया का मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका फुल फॉर्म कभी आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसके बाद कल मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन, ये दोनों नाम पर भी इंडिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस मिल जाएगी, लोगों का विश्वास आप लोग जीत पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का जो कंपटीशन है वो तीन नामों से किया। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि प्रतिबंधित एक आतंकी संगठन है इंडियन मुजाहिदीन, और एक और है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिन पे अभी हाल ही में पिछले साल बैन लगाया गया। केरल की ये संगठन था, केरल में था, पीएफआई जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और एक भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तीनों का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर हल्ला बोला है। साथ ही दोस्तों आप लोग को पता होगा जैसे कि कुछ और नाम है कंपनियों के, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी इंडिया कंपनी नहीं है। एक और कंपनी बहुत ही मूल्यवान कंपनी है ITC, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे, कॉपी किताब। और ये जो ITC है ये इंडियन टेबैको कंपनी है, ठीक है, ये तंबाकू वाले उत्पाद बनाती है। तो नाम इंडियन रखने से ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से विदेशी कंपनी है। साथ ही भाजपा ने यह भी विश्वास जताया है कि विपक्ष इस समय कमज़ोर होता जा रहा है और बार बार नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, 2024 में फिर से भाजपा सरकार आने वाली है। साथ ही दोस्तों अगर हम आगे बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का जो गठबंधन है उसको अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की विरासत बताया है। मतलब इसको जो पुराने हमारे कद्दावर नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए और जो लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, उनकी विरासत बताया है। साथ ही बात करें कि 2047 तक उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का अपना सपना जो है वो बनाया है, मुख्य उद्देश्य बनाया है, ध्येय बनाया है। अगर विपक्ष की बात करें दोस्तों, तो विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात पर हमला बोला है, और राहुल गांधी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया नाम से ही नफरत करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। साथ ये भी कहा है कि इंडिया नाम से नफरत करते हैं, और गांधी जी ने ट्वीट राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये भी कहा है कि हम भारत हैं और मणिपुर में भारत का विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। एक्चुअली इस समय पर विपक्ष जो है लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा है, और मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का इंतजार कर रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दें। दोस्तों एक और खबर कुछ दिन पहले की थी कि इंडिया नाम रखने पर, विपक्ष ने जब इंडिया अपना नाम रखा है तो इस पर दिल्ली में ही कहीं पर एक FIR दर्ज की गई है, और ये कहा गया है कि कोई भी दल होता है वो अपना नाम भारत के नाम पर, मतलब देश के नाम पर उसको नहीं रखना चाहिए, और ये क्या है, ठीक नहीं होगा। तो इस पर आप लोग क्या समझते हैं, जो इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने अपने गठबंधन का, इस पर ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है, आप लोग अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट रख करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।